ठाठों में ठाठ बनारसिया, हाय हाय ठाठ बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया, ठाठ बनारसिया, हाय हाय ठाठ बनारसिया। आज मैं आ गई हूँ बनारस, अपने शहर बनारस में। ये काशी विश्वनाथ का धाम है और इसकी हर बात निराली है। इसकी गलियों में जहाँ एक तरफ मंदिर, वहीं आपको लाजवाब खाने भी मिलते हैं। तो चलिए आज मैं आपको ले जाती हूँ यहाँ के मस्त नाश्तों की जगह पे। और सबसे पहले हम लोग आ गए हैं लक्ष्मी चाय वाले के यहाँ। यहाँ के मक्खन टोस्ट को खाने दूर दूर से लोग आते हैं, तो चलिए हम लोग भी ट्राई करते हैं यहाँ का मक्खन टोस्ट। ये आ गया हमारा मक्खन टोस्ट। टोस्ट की हुई ब्रेड के ऊपर दिल खोल के लगा हुआ अमूल बटर और साथ में उनका स्पेशल मसाला। इसको देख के तो अव्यक्त से भी रुका नहीं गया, वाह मजा आ गया। टोस्ट के साथ चाय तो बनती ही है। अब हमने लिया है इनका सिजेरियन टोस्ट। इसमें ये ब्रेड को अंदर से काट के इसमें मक्खन लगाते हैं और ये मक्खन पूरी ब्रेड में अच्छे से घुल के क्या स्वाद देता है। हाँ हाँ तुम भी खा लेना भाई। अब हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ का सफेद बटर टोस्ट, क्योंकि ये नहीं खाया तो क्या खाया। वाह मजा आ गया, इतना टेस्टी फ्रेश बटर। आहा, अब मैं आपको स्वाद चखाती हूँ यहाँ की मशहूर छोटी कचौड़ी और घुघरी चने का। मैदे में लिपटे हुए आलू के गोले और धीमी आंच पे तल के खस्ता करके चने और चटनियों के साथ बड़े प्यार से खिलाया जाता है। ये बनारसियों का बहुत ही पसंदीदा नाश्ता है। हम बनारस जाए और ये ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए अब चलते हैं बनारस के एक और मशहूर दुकान मधु जलपान की ओर। ये देखिए ये भैया गरम गरम जलेबियां बना रहे हैं, पर हम लोग पहले खाएंगे कचौड़ी और सब्जी। तो लीजिए आ गई देसी घी में छनी हुई गरम गरम कचौड़ी और सब्जी। वाह जन्नत है जन्नत। अब जलेबी की आई बारी। आह ये गरम गरम जलेबियां, इसको ट्राई करना तो बनता ही है। और मेरे पति देव इसको सब्जी के साथ ट्राई कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, पर मैं तो इसको खाऊंगी जैसे कि हम लोग बचपन से इसको खाते आ रहे हैं, दही और जलेबी। वाह क्या कॉम्बिनेशन है ये, एक में रुकना तो बनता ही नहीं है। चलिए अब बनारस में है और बनारसी पान ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। बनारस और पान का अलग ही नाता है। जितने शौक से लोग खाते हैं उतने ही प्यार से लोग खिलाते हैं। डिवाइन। ये था मेरा बनारसी ब्रेकफास्ट ट्रेल। ये तो गर्मी का था, ठंडी में इसमें जुड़ जाएगा मलइयों भी। वाह तो आपको मिलती हूँ अगली बार फिर से और टेस्टी टेस्टी खानों के साथ और बचे हुए बनारसी व्यंजनों के साथ, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप भी आइए बनारस और खाइए यहाँ के मस्त खाने। और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ट्रूली बुकर्स।